हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके पास में इस कंपनी का शेयर है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 7883 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 835 रुपीज़ 55 पैसा है, और कंपनी का जो 52 वीक का हाई था ये 903 रुपीज़ 5 पैसा था। अब दोस्तों, हम कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 70.97% की है, और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 28.93% की है। अब दोस्तों, हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो पीई रेशो है ये 71.97 का है, जबकि इस सेक्टर का जो पीई रेशो है ये 14.76 का है। कंपनी का पीबी रेशो 17.84 का है। कंपनी का आरओई 11.30% का है। कंपनी का आरओसी 13.19% का है, और ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.03% का है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.67 है। अब दोस्तों, हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की ईयर वाइज प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2024 में, यानी कि 2024 के अंदर कंपनी ने 110 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि 2023 में कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। यानी कि 2023 की तुलना 2024 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। और आप देख सकते हैं कि जितना प्रॉफिट कंपनी ने 2024 में जनरेट किया है, इतना प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 12 साल के अंदर कभी भी जनरेट नहीं किया था। और दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 2020 के बाद में कंपनी जो है बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब एक बार हम कंपनी के क्वार्टर वाइज प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मार्च 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने 43 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि मार्च 2023 के क्वार्टर की तुलना में मार्च 2024 में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर बात करें हम कंपनी की शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस की, तो 1997 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 334,122% का रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 8,779% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 1,596% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 290% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 1 मंथ में कंपनी ने अपने निवेशकों को 38% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अभी आपने पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देखे हैं। आपने यहाँ पर ये देखा है कि कंपनी के अंदर हमें दो तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो पीई रेशियो है ये हाई है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड तो देती है, लेकिन कंपनी का डिविडेंड यील्ड कुछ खास डिविडेंड यील्ड नहीं है। इसके अलावा कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है ये भी लो है। अगर हम बात करें कंपनी के ईयर वाइज या फिर क्वार्टर वाइज प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो हम यही देखते हैं कि कंपनी जो है बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और अगर दोस्तों हम बात करें कंपनी के शेयर मार्केट में रिटर्न के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने ताबड़तोड़ रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1997 से लेके अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 334,120% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है। अगर दोस्तों इस रिटर्न को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो अगर किसी व्यक्ति ने 1997 के अंदर इस कंपनी में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसके शेयर की वैल्यू लगभग 33 करोड़ रुपये के आसपास होती। यानी कि इस कंपनी ने बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की, तो 5 साल में भी कंपनी ने 8,779% का रिटर्न दिया है,
और पिछले एक साल में भी कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 1596% का रिटर्न कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर दिया है। यानी कि दोस्तों ये जो कंपनी है बहुत ही ताबड़तोड़ और बहुत ही शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दे रही है। लेकिन आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा और ख़ुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रिसर्च और स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक लिए टाटा बाय बाय।